आज हम बात करते हैं बायो सावर्ट नियम से किसी एक सर्कुलर लूप के सेंटर पे कितनी इंटेंसिटी होगी। कोई एक वृत्ताकार लूप है, सर्कुलर लूप है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो बायो सावर्ट फॉर्मूला से कर रहे हैं, बायो सावर्ट फॉर्मूला बिना पार्ट लेते नहीं है, हम एक पार्ट इमेजिन करते हैं, वो पार्ट इमेजिन कर लिया वो कितना है डीएल है, यहां से यहां तक क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी। अब इस पार्ट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा, वो कितना हो गया डीबी हो गया, इस पार्ट के लिए इतना सही होगा। तो बायो सावर्ट फॉर्मूला क्या है, dp is equal कितना होता है म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन कितना है 90 है, आईडीएल साइन 90 अपॉन में r स्क्वायर साइन 91 हो गया। तो इस पार्ट के लिए कितना आ गया म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन में r स्क्वायर। अब इतने से पार्ट के लिए है, पूरी रिंग के लिए निकालना है, इंटीग्रेशन करो तो ये टोटल टोटल बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर बार आ गया, इंटीग्रेशन किसका होगा डीएल का, और डीएल पार्ट ऐड करते करते क्या बन जाएगी पूरी सर्कमफेरेंस बन जाएगी। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला कितना होता है 2 पाई आर से 4 पाई आर कट गया, म्यू जीरो आई अपॉन 2 आर, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया कहां पे सेंटर पे।